तो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ साइकस पाम की कुछ आपको टिप्स शेयर करने वाला हूँ, उसको कैसे ग्रो करना है और इसमें मिट्टी कौन सी मिलानी है और इसको पानी कब देना है और इसकी जो सनलाइट वगैरह है वो इसको कितने टाइम देनी है और कब इसको आउटडोर में रखना है कब इसको इनडोर में रखना है, इन सभी चीज़ों का मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं अपन शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर लगा हुआ है या प्लांट और गमले के अंदर लगा हुआ है तो आपको गमला थोड़ा सा बड़ा लेना है, मतलब कि 12 से 15 इंच का जो पोट होता है बड़ा वाला, वो वाला गमला लेना है आपको। और इसकी जो सोयल तैयार करनी है तो आपको वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें 1% मतलब मिट्टी मिक्स करनी है और आधा इसमें और जो रेतीली जो मिट्टी होती है वो मिक्स करनी है, और मतलब कि इसमें फर्टिलाइज़र भी उतना सा ही मिक्स करना है। तीनों चीज़ें बराबर मिक्स करके आप फिर इस प्लांट को लगा सकते हो गमले के अंदर। और दोस्तों ये जो प्लांट होता है इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो अगर आपके इंडोर लगा हुआ है और गमले के अंदर है दोस्तों तो गमला आपको स्टैंड पर रखना पड़ेगा। चाहो तो आप स्टैंड पर रख सकते हो या नीचे पत्थर लगा कर भी उसे रख सकते हो, ताकि तब भी आप इसके अंदर पानी डालो तो वो पानी मतलब गमले के नीचे वाले छेद से नीचे निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी मतलब रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लांट वैसे ख़राब हो जाता है ज़्यादा पानी के कारण। तो आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो आप वीडियो के अंदर जो प्लांट देख रहे हो ये मतलब ज़मीन के अंदर लगा हुआ है, और इसके जो चारों तरफ जो नए जो लीफ निकली हुई जो पत्तियां दिख रही है दोस्तों, ये पत्तियां मतलब इसके नए और नए प्लांट नीचे से निकलना शुरू हो चुके हैं। ये दोस्तों गर्मी के मौसम के अंदर निकलते हैं। और दोस्तों ये प्लांट आप मतलब को इसको ट्रांसप्लांट करके और दूसरी जगह पर ऐसा प्लांट तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस प्लांट की आप केयर कैसे करोगे। तो दोस्तों इस प्लांट की जो केयर है वो बहुत ही आसान केयर है दोस्तों। ये प्लांट मतलब कि ज़्यादा इसको धूप पसंद नहीं होती है, मतलब कि सनलाइट होती है तो वो इसको ज़्यादा नहीं चाहिए है, मतलब इसको नॉर्मल सनलाइट जो होती है सुबह शाम वाली जो सनलाइट आती है अगर उसके अंदर आपका प्लांट है तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा सनलाइट होने से क्या होता है इस प्लांट पर एक इफेक्ट आता है, वो ये इफेक्ट है दोस्तों इसकी जो भी ऊपर वाली जो पत्तियाँ और नई जो लीफ निकलती है तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब कि इसे पीले कलर की हो जाती है और मतलब वो साइडों से जलने लग जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपका प्लांट मतलब कि इनडोर है तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अगर आपका प्लांट बाहर की साइड पर है तो आप ऐसी जगह पर इस प्लांट को लगाइए जहाँ पर इसको मतलब कि सुबह और शाम की धूप मिल सके, दिन में इसको मतलब कि धूप कम मिले। और ये देख लीजिए दोस्तों इस वाले वीडियो में क्या हो रहा है, मेरे इसकी सभी जो पत्तियाँ हैं वो जल रही है, क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट है मतलब कि आउटडोर के अंदर लगा हुआ है और अभी इसके ऊपर नेट वगैरह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये प्लांट अभी ख़राब हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है कि आपका प्लांट ख़राब ना हो। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इस प्लांट को पानी कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्लांट को पानी आप तब देना है जब इसकी जो मिट्टी की जो ऊपर लेयर होती है मतलब कि ऊपर जो परत होती है अगर वो सूखने लग जाए दोस्तों तो फिर इसके अंदर आप मतलब पानी दे सकते हो। इसको मतलब कि ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है तो आपको थोड़ा सा कम ही पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से दोस्तों इसकी जो नीचे वाले जो बड्स होते हैं जो इसका जो तना होता है वो मतलब कि गलने लग जाता है और सड़ने लग जाता है, अंदर से मतलब ख़राब होने लग जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी अवश्य ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी इसको प्लांट को नहीं देना है आपको। और दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि ये जो आपको सभी जो इस वीडियो में प्लांट दिख रहे हैं मैं इनमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ और कितने बार करता हूँ। साल में एक बार करता हूँ दोस्तों मैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र यूज़। और दोस्तों मैं इसमें दो प्रकार का फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ, एक तो वर्मी कंपोस्ट में यूज़ करता हूँ और दूसरे नंबर पर जो गोबर का जो देसी खाद होता है दोस्तों उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप दोनों में से कोई सा भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों फर्टिलाइज़र इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र हैं। और दोस्तों ये वाले जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको ये मैंने सभी इन बड़े प्लांट्स में से निकाले हैं, मतलब इसके जो नीचे जो रूट्स निकल रही थी मैंने आपको पहले वाले बताई थी, तो ये सब वो प्लांट है और मैंने इस प्लांट को निकाल कर अलग गमले में लगा दिया है दोस्तों। और ये मतलब ईजिली और अच्छी तरीके से अभी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने निकाला उस टाइम पर इसकी जो लीफ थी वो बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। तो मतलब ये देख सकते हो दोस्तों ये वाला प्लांट देखिए कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों ये वाला जो आपको प्लांट मैंने दिखाया था ये मतलब बहुत ही पुराना प्लांट है, इसको लगाए हुए मेरे को तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं और इसकी मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों मतलब कि ये प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, और मैंने जो इसमें आगे जो आपको केयर टिप्स बताई थी वही मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, और इसी का जो कारण है ये प्लांट आप देख सकते हो दोस्तों रिजल्ट आपके सामने कितनी अच्छी तरीके से ये प्लांट ग्रो कर रहा है।
और दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आए और अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक नंबर दे दूंगा मैं, आप उस पर कॉल करके आप आराम से पहुंच सकते हो और वहां पर मेरी टीम आपको पूरी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेगी। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना सा ही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।